स्टूडेंट्स तो आज हम आपको बताएंगे कि सीसी सीसी सी मीन्स क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे और इसकी जरूरत कब पड़ती है वेन वी नीड सी सी आपको अर्थात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत कब पड़ती है जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होंगे आप अपना एडमिशन लेंगे तो वह स्कूल जो है पुराने स्कूल का था? था, था, था? तो मारपीट गुंडागर्दी ये सब चीजें तो नहीं था ना ये सब चीजें यदि होगा तब तो मुश्किल है तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख देगा बैड लेकिन यदि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यदि अच्छा परफॉर्मेंस है तो वहां पर गुड लिखा रहेगा राइट right? तो आपका आचरण अच्छा होना चाहिए अर्थात करेक्टर सर्टिफिकेट यही प्रूव करता है कि आपका आचरण पिछले स्कूल में कैसा था तो स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है ओके तो, तो हम लोग अपने स्कूल जिस स्कूल जिस को छोड़ रहे हैं और दूसरे स्कूल में लेंगे तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जो पुराने थे उनको हम कैसे एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि ताकि वो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे तो कैसे लिखेंगे आज हम यही बात करेंगे तो देखते हैं सीसी क्या होता है सर्टिफिकेट क्वेश्चन आएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सर्टिफिकेट अर्थात आचरण प्रमाण पत्र के लिए आएगा ओके okay, आपका आचरण कैसा था तो ये चीजें सेम है टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम यहां पर देखिएगा ध्यान से स्कूल नेम मतलब यहां पर जो कुछ भी रहेगा संत पुष्पा इंटरमीडिएट कॉलेज जो कुछ भी उसके नीचे जो स्कूल का एड्रेस रहेगा उसी का एड्रेस डालना है दूसरे का नहीं सब्जेक्ट हाँ, यही से लिखा जाएगा सब चीजें एक चीज में रहना चाहिए सब्जेक्ट सी कैरेक्टर सर्टिफिकेट राइट इतना चीजें सेम है सर या मैडम यदि आपका स्कूल के प्रिंसिपल सर होंगे जेंट्स होंगे तो देन सर यदि लेडीज होंगे मैडम ओके okay? सिंपल सी बात है रिस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से इतना तो समय सम्मान पूर्वक मैं विनम्रता से कहता हूँ रिस्पेक्टफुल्ली आई बैक टू से दैट कि आई वॉज अ गुड स्टूडेंट कि मैं आपके स्कूल का अच्छा विद्यार्थी था दैट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल मैं आपके स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी था क्योंकि अब मैं छोड़ रहा हूँ इसका अंदर से वास ओके okay? सम्मान पूर्वक मैं विनम्रता से कहता हूँ रिस्पेक्टफुल्ली ता से कहता हूं कि मैं आपके स्कूल में अच्छा विद्यार्थी था आई वॉस गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल हमेशा अच्छा अंक और रैंक पाया आई always सिक्योर्ड आई always सिक्योर्ड गुड मार्क एंड रैंक अच्छा नंबर और अच्छा अंक दोनों पाया है ओके इन क्लास क्लास में बट लेकिन माय होल फैमिली इज शिफ्टिंग लखनऊ लेकिन पूरा मेरा पूरा परिवार अब लखनऊ शिफ्ट हो रहा है बट माय होल फैमिली इज शिफ्टिंग लखनऊ मेरा पूरा परिवार क्या हो रहा है लखनऊ शिफ्ट हो रहा है इस वजह से मेरे को भी वहां पर जाना पड़ेगा अब मैं यहां नहीं पढ़ सकता हूं सो so, अब मैं यहां नहीं पढ़ सकता तो नाउ आई कॉन्ट स्टडी हियर अब मैं यहां नहीं पढ़ सकता सो नाउ आई कॉन्ट स्टडी हियर अब मैं यहां नहीं पढ़ सकता हूं इसके लिए मुझे सीसी की जरूरत है फॉर दैट आई नीड कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके लिए मेरे को क्या अर्थात आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत है अब ये वाला लाइन जो पुराना वाला देखिए रिस्पेक्टफुल्ली का लाइन यहां से है ओके तो मतलब सर या मैडम लिखने के बाद गैप दे और उसी के सीध में सो अतः सो आई होप दैट अतः मैं आशा करता हूं कि यू विल गिव my सी सी आई सुन एज आप मेरा सी सी अर्थात कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी से जल्द देने की कृपा करें सो so that आई कुड take एडमिशन there ताकि मैं वहां आसानी से एडमिशन ले सकूं आई सेल बी अबलिप टू यू मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा यहां पर योर ओविडेंटली अपना नाम क्लास रोल नंबर यहाँ पर थैंक यू धन्यवाद डेट यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेस भी लिख सकते हैं सब कुछ लिख सकते हैं। ये रहा है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन। तो जब आप एक स्कूल को छोड़ के, के दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका आंसर कैसा था पिछले स्कूल में वो चीज़ें मांगी जाती है तो आप ऐसे तरीके से आप अपने पुराने स्कूल प्रिंसिपल को करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लीकेशन दे सकते हैं राइट right? ये लिखेंगे तो बड़ा सिंपल सी बात अब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा था, ऐसा मत लिखेगा ऐसा नहीं कि दोनों लिख या तो हिंदी में या तो, में जैसा आपका है तो बनेगा लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होने चाहिए आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आई थिंक आई थिंक इसको अच्छे से देखिए समझ आए नोट करिए लिखिए दो बार तीन बार प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे से अच्छा आप इसको फॉर्मेंस कर सके अच्छा से अच्छा आप सीख सके लिखने के क्या तरीके सब चीजें